As we are doing chapter working of institutions, so yesterday we have read about two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha, and we have also done why Lok Sabha is powerful house. Today I'm going to discuss functions of parliament. What is parliament? Write its functions. Now listen carefully. आपने कहना है body of elected representatives is known as parliament. And in India, it is known as parliament, whereas in other countries, it is known by different names, such as in USA, it is known as Congress. USA में से Congress कहा जाता है, whereas in India, it is known as parliament. फिर आपने बताना है functions, functions of parliament. Only one line of introduction is enough. Body of elected representatives, ठीक है, is known as National Assembly of Elected Representative is known as Parliament. National Assembly of Elected Representative is known as Parliament. So, फिर आपने कहना in India it is known by the name of Parliament, whereas in other countries such as in USA it is known as Congress. अब आपने functions जो बताने हैं तो उसमें आप बताओगे first of all आप लिखोगे it is the largest law making body in India. पार्लियामेंट इज द लार्जेस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया. इसमें आप बताओगे इट मेक्स लॉ ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड पार्लियामेंट इज द लार्जेस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया. इट मेक्स लॉ ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. It makes law on the subject such as union list and concurrent list. It also enjoys residuary powers. Residuary powers bhi parliament hi enjoy karti hai. Ab is ye aapne likh to liya but isko ek minute mein explain kar deti hu thoda sa. But here no need to explain. Question mein aap explain nahi karoge. Listen again. Parliament is the largest law making body in India. It makes law on union list, concurrent list, and it also enjoys residuary powers. Now I am going to explain, but here is no need to explain. I am telling you for your knowledge. In India, we are following list system. Our government is following list system. First of all, there is union list because in 10th, ये topic आप पढ़ोगे. Union list में 97 subjects होते हैं. No need to learn here. आप सिर्फ सुन लो. 97 subjects are there in union list and parliament makes law on these subjects. फिर हम कहेंगे state list. वो यहाँ पे मैंने नहीं लिखवाई state list. तो इसमें आप बताओगे कि there are 66 subjects and state government makes law. उस पर state government law बनाती है. But हाँ एक बात पे parliament भी बनाती है. फिर मैंने इसीलिए नहीं लिखवाया. आपको knowledge होनी चाहिए but no need to write here. पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे लॉ तब बनाती है अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाए. फॉर एग्जांपल किसी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए और वो स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाए, प्रेसिडेंट का रूल आ जाए, तो ऐसे टाइम में पार्लियामेंट मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट. बट कॉन्करेंट लिस्ट मैंने लिखवाया तो कॉन्करेंट लिस्ट में सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बनाते हैं, मिलके लॉ बनाते हैं. बट वाइल मेकिंग लॉ इफ क्लैशेस अकर, लॉ मेड बाय पार्लियामेंट प्रीवेल्स, क्योंकि पार्लियामेंट टॉप लेवल पे है ना, स्टेट को स्टेट के फिर डिसीजंस नहीं माने जाते, लॉ मेड बाय पार्लियामेंट प्रीवेल्स. ये आपको नहीं लिखना, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ. रेजुडरी पावर्स, अब सब्जेक्ट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट सिस्टम, जब लिस्ट सिस्टम बने थे ना तो उसके बाद जो सब्जेक्ट्स बाद में आए, फॉर एग्जाम्पल आई टी इंडस्ट्री आई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो जो बाद में सब्जेक्ट्स आए ना उन पे अब लॉ कौन बनाती है? सिर्फ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट इंजॉयज रेजुडरी पावर्स, तो इट मींस ये सारी पावर्स पार्लियामेंट के पास हैं. लिसन अगेन, इट इज द लार्जेस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया. इट मेक्स लॉ ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट. इट आल्सो इंजॉयज रेजुडरी पावर्स. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड में आप कह सकते हो पार्लियामेंट कंट्रोल नेशनल फाइनेंसेस ऑफ द कंट्री. पार्लियामेंट किसको कंट्रोल करती है? नेशनल फाइनेंसेस ऑफ द कंट्री.
गवर्नमेंट कैन नॉट स्पेंड, इसी में ही लिखना है आपने, सेकंड पॉइंट में बताओगे, पार्लियामेंट कंट्रोल नेशनल फाइनेंसेस ऑफ द कंट्री, गवर्नमेंट कैन नॉट स्पेंड इवन अ सिंगल पेनी विदाउट द परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एक पैसा भी पार्लियामेंट की परमिशन के बिना खर्च नहीं कर सकती। और साथ में आप बताओगे एनुअल बजट इज टू बी पास्ड बाय पार्लियामेंट। नाउ लिसन अगेन, पार्लियामेंट कंट्रोल द नेशनल फाइनेंसेस ऑफ द कंट्री, गवर्नमेंट कैन नॉट स्पेंड इवन अ सिंगल पेनी विदाउट द परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट, एंड फिर आप साथ में ये भी बता सकते हो कि एनुअल बजट इज टू बी पास्ड बाय पार्लियामेंट। तो ये पार्लियामेंट की पावर है या फंक्शन, एक ही बात है। आपको पेपर में पावर आए या फंक्शन आए तो आंसर बात एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट आप बता सकते हो, पार्लियामेंट टेक पार्ट इन द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये उसकी इलेक्टोरल पावर है। पार्लियामेंट कैन टेक पार्ट इन द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आप ये भी कह सकते हो कि पार्लियामेंट जो है, इट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिबेट्स एंड डिस्कशंस। हाईएस्ट फोरम, पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम, फोरम मीन्स प्लेस, पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिबेट्स एंड डिस्कशंस, हाईएस्ट प्लेस ऑफ डिबेट्स एंड डिस्कशंस। नेक्स्ट आप कह सकते हो इन इंडिया, या फिर इन इंडिया वी आर हैविंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन इंडिया वी आर हैविंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है दैट इज आंसरेबल टू पार्लियामेंट। इन इंडिया, हमारे इंडिया में कैसी गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज आंसरेबल टू पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आंसरेबल होती है पार्लियामेंट को। इफ पार्लियामेंट पासिस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इफ पार्लियामेंट पासिस क्या पास कर दे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इफ पार्लियामेंट पासिस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, if parliament passes vote of no confidence against council of ministers, then prime minister with his team has to resign immediately. If council of ministers pass, oh sorry, in parliamentary form of government, council of ministers is answerable to parliament. If parliament, agar parliament kya pass kar de, vote of no confidence against council of ministers, then prime minister with his team has to resign immediately. It has full control over executive, parliament has full control over executive. Listen again, hum kahenge parliament the body of elected, ya fir national assembly of elected representatives is known as parliament. It is known by different names in different countries. In our country it is known by the name of parliament, whereas in USA it is known as Congress. Ab parliament is the largest law making body in India. It makes law on the subjects of union list and concurrent list. Parliament makes law on the subjects of union list, LIST, union list and concurrent list. It also enjoys residuary powers. Parliament make laws on the subject of union list and concurrent list. It also enjoys residuary powers. Phir aap bataoge, it controls the national finances of the country. Government cannot spend even a single penny without the permission of the parliament. Annual budget is to be passed by parliament. Now is it clear? Parliament control the national finances of the country. Government cannot spend even a single penny without the permission of the parliament, and annual budget is to be passed by parliament. Next, it can take part, it takes part in the elections of president and vice president. Dono ki elections mein part leti hai, president and vice president. Next, it is the highest forum. Forum means place. It is the highest forum of debates and discussions. Next, it has full control over executive. Parliament ka kis pe control hota hai? Executive pe.
Parliament has full control over executive in parliamentary form of government. If in it has full control over executive in parliamentary form of government, Council of Minister in parliamentary form of government, Council of Ministers is answerable to Parliament. Council of Minister is answerable to Parliament. If Parliament passes vote of no confidence, if Parliament passes, kya pass karte Parliament? Vote of no confidence against Council of Ministers, then Prime Minister with his team has to resign immediately. So, ये इतनी powers हैं हमारी Parliament के पास, ठीक है? अब हमारा एक organ complete, that is legislature. In legislature, you have read about two houses. First of all, तो what is legislature? Legislature आप कहोगे legislature makes law. फिर आप कहोगे two houses हैं. इंडिया में bicameral legislature है, two houses हैं. First is Lok Sabha and then Rajya Sabha. You have done that and you have also done which house is powerful and why. Why आपको आना चाहिए कि क्यों powerful है? You have to justify the answer. Lok Sabha is the powerful house. Why? Regarding ordinary bill, regarding money bill and then house of people. ठीक है ना? Next, what is parliament? Right, its functions. इतना करने के बाद our one organ is completed and that is legislature. And now come to next organ of the government, that is executive. Executive is another organ of the government. अब आज हमने करना है executive start. Executive. अब executive है क्या? It is an organ of the government that implement the laws made by legislature. Organ of the government that implement the laws. जो law को implement करता है. Made by legislature. Executive is an organ of the government that implement the laws made by legislature. Legislature जो भी law बनाती है, executive implement those laws or execute those laws. It is of two types. Executive is of two types. अब आपने उसकी two types बतानी है. It is of executive is of how many types? Two types. Political executive. परमानेंट एग्जीक्यूटिव. पॉलिटिकल को हम नॉन परमानेंट भी कहते हैं, ठीक है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, इसको हम नॉन परमानेंट भी कह सकते हैं पॉलिटिकल को, क्योंकि ये परमानेंट है तो ये नॉन परमानेंट है. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव. फॉर दिस, अगर आप आज जैसे अभी आप घर पे ही हो, तो आप भी जैसे ही आपको टाइम मिले तो आप नायक मूवी जरूर देखना. उस मूवी से ये वाला कॉन्सेप्ट अपने आप आपको क्लियर हो जाना. नो नीड टू क्रैम दिस कॉन्सेप्ट. आप अगर इसे ऐसे ही लर्न करना चाहते हो अंडरस्टैंडिंग के साथ, इसको वैसे ही अपने मन में थ्रू आउट लाइफ आपको अंडरस्टैंडिंग रहे, आप ऐसा करना चाहते हो, तो आप नायक मूवी देख लेना जो अनिल कपूर वाली है. उसमें प्रॉपर परमानेंट एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी दिखाई हुई है. आप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, अगर किसी पे भी नोट आए तो यू हैव टू राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. लिसन अगेन, एग्जीक्यूटिव इज एन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट दैट एग्जीक्यूट द लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर. एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर. इट इज ऑफ टू टाइप्स, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड देन परमानेंट एग्जीक्यूटिव. पॉलिटिकल एंड परमानेंट. अब आप करोगे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में इन प्रीवियस चैप्टर्स, आई थिंक इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, यू हैव रेड दिस टॉपिक दैट देयर इज नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर अवर पॉलिटिकल लीडर्स. हमारे इंडिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस नहीं है फॉर अवर लीडर्स. हमारे यहाँ पे सिर्फ पर्सन को पॉलिटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, कोई ऐसी क्वालिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स नहीं है. तो वो सब आपने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ा, ठीक है? अब मैं आपको बताऊं कि किसी को बना दिया जाए रेलवे मिनिस्टर, ठीक, एंड पर्सन हैज नो नॉलेज अबाउट रेलवे मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर ने अपनी एक टीम प्रिपेयर की एंड गिव डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे टू वन ऑफ द मिनिस्टर, एंड पर्सन हैज नो नॉलेज अबाउट रेलवे डिपार्टमेंट. Then what will happen? But power तो person के पास है जो minister बन के गया.
देन हु विल हेल्प, तो उसकी हेल्प उसके पीछे टीम वर्क करेगी, वो है सिविल सर्वेंट्स. दीज आर वेरी एजुकेटेड पीपल, ये बहुत एजुकेटेड होते हैं. इधर तो आपने पढ़ा है नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इधर आप कहोगे कि वेरी एजुकेटेड पीपल हैव फुल नॉलेज अबाउट द डिपार्टमेंट इन विच दे आर वर्किंग. जिस डिपार्टमेंट में ये वर्क कर रहे होते हैं उस डिपार्टमेंट की इनके पास पूरी नॉलेज होती है. बट एक चीज फर्क है कि इनके पास पावर नहीं है. पावर किधर है? इनके पास. इनके पास पावर नहीं है, इनके पास पावर है. ये लोग अपनी एज ऑफ रिटायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं. देयर एज ऑफ रिटायरमेंट इज फिक्स्ड, इनकी एज ऑफ रिटायरमेंट है. बट ये इनका टेन्योर 5 years होता है. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का टेन्योर इज ऑफ 5 years. तो इस वे से आप इसको लर्न करोगे, पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव है क्या? एन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट दैट इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर. इट इज ऑफ टू टाइप्स, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन अबाउट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. आप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में बता दोगे, आप क्या लिखोगे इसमें? कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती है ना, इट इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड वेरियस अदर मिनिस्टर्स. इसमें सारे मिनिस्टर्स आते हैं. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड वेरियस अदर मिनिस्टर्स, सब इसमें आते हैं. ठीक है, फिर आप कहोगे कि देयर इज नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिक्स फॉर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. पहले तो आप यही बताओगे कि इट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सब इसका पार्ट है. दे आर द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड वेरियस अदर मिनिस्टर्स, दे आर द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. देयर इज नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिक्स फॉर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. यहाँ पे कोई पॉलिटिकल इनके लिए क्वालिफिकेशन फिक्स नहीं है बाय द गवर्नमेंट. फिर आप कहोगे समटाइम्स दे हैव नो नॉलेज अबाउट द डिपार्टमेंट अलॉटेड टू दैम. कई बार इनके पास नॉलेज भी नहीं होती अबाउट द डिपार्टमेंट अलॉटेड टू दैम. दे गेट हेल्प फ्रॉम परमानेंट एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्वेंट्स, किसी से भी हेल्प. एक ही बात है, दे गेट हेल्प फ्रॉम, इनको कौन हेल्प करता है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव इन देयर डे टू डे फंक्शनिंग. दे गेट हेल्प फ्रॉम परमानेंट एग्जीक्यूटिव. अब साथ में आप बताओगे देयर टेन्योर इज 5 years. इनका टेन्योर कितना होता है? 5 years. एंड दे इंजॉय पॉलिटिकल पावर्स. दे इंजॉय पॉलिटिकल पावर्स, इनके पास पावर है. दे इंजॉय पॉलिटिकल पावर्स, देयर टेन्योर इज 5 years. लिसन अगेन, इट इंक्लूड्स प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वेरियस अदर मिनिस्टर्स. देयर इज नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिक्स्ड फॉर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. फिर आपने बताना देयर टेन्योर इज 5 years. फिर समटाइम्स दे हैव नो नॉलेज अबाउट द डिपार्टमेंट अलॉटेड टू देम. कई बार इनको उस डिपार्टमेंट की नॉलेज ही नहीं होती जो इन्हें मिल जाता है. दे गेट हेल्प फ्रॉम परमानेंट एग्जीक्यूटिव टू रन देयर डिपार्टमेंट. यहाँ से हेल्प लेते हैं अपना डिपार्टमेंट चलाने के लिए. दे इंजॉय पॉलिटिकल पावर्स, इनके पास पॉलिटिकल पावर होती है. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इंजॉय पॉलिटिकल पावर. इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव. इसे नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी कहा गया है. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज ऑल्सो नोन एज नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव. कहीं पेपर में नॉन परमानेंट आ जाए तो बच्चा कहे मैं तो पढ़ के ही नहीं आया, मुझे तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पढ़ाया. तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्योंकि टेन्योर ही 5 years है तो ये नॉन परमानेंट है. ये कौन सा आके परमानेंट की एज ऑफ रिटायरमेंट तो है ही नहीं. ये तो एक टेन्योर के लिए आए, अगली बार पता नहीं आना है कि नहीं आना. तो देयर टेन्योर इज 5 years एंड दिस इज नॉन परमानेंट. इसे नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज ऑल्सो नोन एज नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव. नेक्स्ट, परमानेंट एग्जीक्यूटिव. अब परमानेंट एग्जीक्यूटिव में आप क्या बताओगे? आप यही बताओगे इट इंक्लूड सिविल सर्वेंट्स. इसमें कौन आते हैं? सिविल सर्वेंट्स. इट इंक्लूड सिविल सर्वेंट्स एंड दीज आर वेरी एजुकेटेड पीपल. दीज आर वेरी एजुकेटेड पीपल एंड दीज हैव दीज पीपल हैव फुल नॉलेज अबाउट देयर डिपार्टमेंट. दीज आर वेरी एजुकेटेड पीपल एंड दे हैव फुल नॉलेज अबाउट देयर डिपार्टमेंट. इन्हें पूरी नॉलेज होती है अपनी डिपार्टमेंट के लिए.
अब आप बताओगे देयर एज ऑफ रिटायरमेंट इज फिक्स्ड, देयर एज ऑफ रिटायरमेंट इज फिक्स्ड, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो किनकी एज ऑफ रिटायरमेंट इज फिक्स, तो इस एज से परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोला गया। बट दे डू नॉट इंजॉय पॉलिटिकल पावर, अब इनके पास क्या नहीं है, दे डू नॉट इंजॉय पॉलिटिकल पावर, दे हेल्प पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन देयर डे टू डे फंक्शनिंग। ये किसकी हेल्प करते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की हेल्प करते हैं इन देयर डे टू डे फंक्शनिंग, दे हेल्प द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन देयर डे टू डे फंक्शनिंग। नाउ इज इट क्लियर। अब मैं फिर बोलती हूँ परमानेंट एग्जीक्यूटिव, इट इंक्लूड्स सिविल सर्वेंट्स, दीज आर वेरी एजुकेटेड पीपल, हैव फुल नॉलेज अबाउट देयर डिपार्टमेंट, दे हेल्प द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन देयर डे टू डे फंक्शनिंग एंड इट इज अ परमानेंट। इसे इसलिए परमानेंट बोला गया बिकॉज एज ऑफ रिटायरमेंट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। एंड फिर आप ये कह सकते हो कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो है ना, इसके पास पॉलिटिकल पावर नहीं है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव डू नॉट इंजॉय पॉलिटिकल पावर, परमानेंट एग्जीक्यूटिव के पास पॉलिटिकल नॉलेज और सॉरी पॉलिटिकल पावर नहीं है। दे हेल्प द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन देयर डे टू डे फंक्शनिंग। सो दिस इज अबाउट एग्जीक्यूटिव। लिसन अगेन, एग्जीक्यूटिव है क्या, ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट दैट इम्प्लीमेंट द लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर। इट इज ऑफ टू टाइप, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड देन परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल में आप बताओगे मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब आ गए। एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है इंजॉय पॉलिटिकल पावर, tenure is fixed, that is of 5 year, and no educational qualification for the political executive. इनके लिए कोई ऐसी नहीं है, because you have read in previous chapter. फिर आप कहोगे sometimes they have no knowledge, sometimes the ministers they have no knowledge about the department allotted to them, and they get help from the permanent executive to run the department. They enjoy political power, इनके पास power होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इन पे डिपेंड करता होता है कि अपने डिपार्टमेंट को रॉन्ग के राइट पाथ पे लेके जाना, किस पे डिपेंड है, उन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पे। अब आगे परमानेंट एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव में आप बताओगे कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव इंक्लूड सिविल सर्वेंट्स, दीज आर वेरी एजुकेटेड पीपल, बहुत एजुकेटेड होते हैं एंड हैव फुल नॉलेज अबाउट द डिपार्टमेंट अलॉटेड टू देम। इट इज नोन एज परमानेंट बिकॉज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स इज फिक्स्ड। फिर आप बताओगे दे हेल्प द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन देयर डे टू डे फंक्शनिंग, बट दीज पीपल डू नॉट इंजॉय पॉलिटिकल पावर, इनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं होती। सो दिस इज अबाउट पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। आज हम इतना ही करेंगे, अभी मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन देती हूँ एंड वी विल डू इट ऑन टुमारो।